नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार। और अगस्त क्रांति और बिहार में सबसे अधिक जो चर्चित घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को, जब सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश करते 7 छात्र शहीद हो गए थे। उन 7 छात्रों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब हम लोग जिक्र करेंगे शहीद छात्र रामानंद सिंह, जो सचिवालय में झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। रामानंद सिंह का जन्म पटना जिले के मसौढ़ी थाना अंतर्गत शहादत नगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह और माँ का नाम था अनतिया देवी। वे अपने इलाके के समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे। उनके परिवार में शहादत नगर और फजल चक के खेतों को मिलाकर करीब 135 बीघा जमीन थी। रामानंद सिंह की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बीर और यारा के स्कूल में हुई। उसके बाद पुनपुन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ था। पुनपुन हाई स्कूल से एक और छात्र शहीद हुए जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उनका नाम राम गोविंद सिंह था और ये दोनों दोस्त भी थे। क्या संयोग था कि फिर पुनपुन हाई स्कूल से वो चले आए थे राम मोहन राय सेमिनरी में रामानंद सिंह, और फिर साथ में शहीद हुए जो पुनपुन हाई स्कूल में एक और उनके साथी थे राम गोविंद सिंह भी के साथ। अभी हम लोग चर्चा करेंगे रामानंद सिंह की। उनके चाचा बिरजानंद सिंह पटना कॉलेजिएट स्कूल में किरानी थे। उन्होंने रामानंद सिंह का नामांकन पटना के राम मोहन राय सेमिनरी में करा दिया। उनका ख्याल था कि पटना के स्कूल में अच्छे शिक्षा पाकर रामानंद बड़ा आदमी बनेंगे। यह सच था कि रामानंद एक मेधावी स्टूडेंट थे। गांव के वातावरण में उनकी प्रतिभा का उभरने का शायद अवसर नहीं मिल पा रहा था, लोगों का ख्याल था, उनके परिवार वालों का ख्याल था। एक और बात थी कि वे गांव के सुधार और विकास की बात सोचते थे। पटना आने पर उनका सुसुप्त देश प्रेम जागृत हुआ और वे राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं में जाने लगे। छुट्टियों में वे अपने गांव में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा प्रसिद्ध जो झंडा गीत है, उसे गा गाकर प्रभात फेरी निकालते थे और गांव की गलियों और नालियों की सफाई का अभियान चलाते थे। 1941 में रामानंद सिंह का विवाह जहानाबाद जिले के भोर सिकरिया गांव के देवानंद सिंह की बेटी अनपी देवी के साथ हुआ। पटना के नामी वकील बाबू दासू सिंह उनकी पत्नी के चाचा थे। रामानंद सिंह उन्हीं के साथ पटना में रहते थे। 11 अगस्त 1942 को जब वे घर से निकल रहे थे तो उनके रसोईया गोनू झा ने टोका था और रामानंद सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, आज मैं देश को स्वाधीन कराने जा रहा हूं। और उन्होंने आखिर सचिवालय पर तिरंगा झंडा लिए अपने दल के आगे ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करते हुए पुलिस की गोली खाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। शहीद रामानंद सिंह की पत्नी अनपी देवी इस महान बलिदान से बहुत आहत हुई। वो बीमार रहने लगी और एक साल बाद ही उनका भी निधन हो गया। अब लखनऊ में उनके पिता के द्वारा स्थापित शहीद रामानंद उच्च विद्यालय है, जो वहां के लोगों में या हम सब में राष्ट्रीयता एवं त्याग के भावना का संचार करता है। ऐसे सूरवीरों को हमारा नमन, शत शत नमन। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं अगस्त क्रांति और बिहार नाम से एक खास श्रृंखला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।